मुंबई के अंधेरी में बॉलीवुड आइकॉनिक अवार्ड 2020 का आयोजन किया गया। अवार्ड के आयोजक फिल्म डायरेक्टर किशरा चौहान के इस शानदार और यादगार इवेंट की शुरुआत आउटडोर मीडिया के योगेश लखानी ने दीप प्रज्वलित करके किया। तो ही समारोह के मुख्य अतिथि थे म्यूजिक डायरेक्टर दिलीप सेन। तो ही इस अवार्ड की बात करो तो इस अवार्ड में यूथ आइकॉन सोशल वर्कर हर घर तुलसी को, जन जन तक ले जाने वाले विशाल भगत को यूथ आइकॉन सोशल वर्कर 2020 का बेस्ट अवार्ड मिला। तो ही देश विदेश में तकरीबन 2000 लाइव शो कर चुकी मशहूर क्लासिकल डांसर शिरीन फरीद को इंटरनेशनल परफॉर्मर अवार्ड 2020, जबकि रितेश पाठक को 2020 का बेस्ट रिपोर्टर सोशल वर्कर अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। इनके अलावा एक्टर कॉमेडियन सुनील पाल, दीपा नारायण झा, म्यूजिक कंपोजर सिंगर संतोष सिंह, गीतकार सुधाकर शर्मा, एक्शन डायरेक्टर आरपी यादव, तो ही शोएब अहमद को प्ले बैक सिंगर फ्रॉम इजराइल बेस्ट स्टेज सिंगर अवार्ड 2020 मिला। तो ही एक्ट्रेस मोनिका रामन, मेकअप मैन देव सोनिया के साथ साथ नए कलाकारों टेक्नीशियन टीम को भी अवार्ड देकर उनके कार्य को प्रोत्साहन दिया गया। और सभी अवार्ड पाने वाले लोगों ने आयोजक किशरा चौहान का शुक्रिया अदा किया। तो ही आपको बता दें कि इसके पहले भी किशरा चौहान ने बॉलीवुड लीजेंड अवार्ड 2019 का भी अवार्ड कर चुके हैं। इसके अलावा उनके कई अवार्ड शो होने वाले हैं। इस पर देखिए खबर इंडिया की खास कवरेज। करना चाहूँगी कृष्ण चौहान जी का, क्योंकि मैं काफ़ी खुश हूँ। 2020 का मेरा पहला अवार्ड है बॉलीवुड आइकॉनिक अवार्ड, और यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनाइजर जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया, मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगी। और काफ़ी अच्छा लगा परफॉर्म करते हुए, एंड ऑडियंस भी बहुत अच्छी थी। थैंक यू सो मच। आज आपका ये लुक एक अलग ड्रेसिंग में है, और आज आपने पुराने नगमे पे जो है परफॉर्मेंस किया है, कहते हैं वर्ल्ड इज गोल्ड, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे हर साल मैं परफॉर्म करती हूँ अवार्ड नाइट्स में, तो यहाँ पे जिस तरह से क्राउड था, तो मुझे बताया गया कि यहाँ पे 70-80 लोग एज वाले लोग हैं, तो इसके लिए फिर मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ पुराने नगमे पे परफॉर्म किया जाए। तो आपने देखा, मैंने मुगले आजम का गाना किया, प्यार किया तो डरना क्या, और ऑडियंस ने काफ़ी अप्रिशिएट किया। सो थैंक यू सो मच फॉर द अप्रिसिएशन। दो दर्जन से ज़्यादा बहुत सारे हो चुके हैं। देखिए, मैं इतनी मेहनत करती हूँ, और जब सम्मान मिलता है तभी हमें पता चलता है कि हमारी मेहनत किस तरह से अप्रिशिएट हो रही है, तो मुझे बहुत खुशी होती है। और और ये तो 2020 का पहला अवार्ड है, सो इसके लिए मैं और ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। पहले तो मैं कृष्णा जी का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, जिन्होंने इतने सोशल एक्टिविटीज़ तो बहुत लोग करते हैं, उस एक्टिविटीज़ में मुझे यूथ आइकॉन का अवार्ड दिया गया, और हर घर तुलसी का जो मेरा कार्यक्रम चल रहा है उसके लिए मुझे चयनित किया गया। पहले मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और बॉलीवुड आइकॉनिक अवार्ड, जिस प्रकार ये दूसरा वर्ष है उनका, और ये बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज किए हैं, ऐसा आगे और भी करते रहें। और पुरस्कार ऐसा चीज़ है कि अगर आदमी काम करता है, समाज में अगर काम करता है, तो उसको लोग चिन्हित करके सम्मान देते ही। मैं एक माध्यम हूँ, मतलब कि मैं अगर पुरस्कार लेता हूँ तो हमारे समाज देखते हैं कि काम करने के बाद उनको पुरस्कार मिलता है, सम्मान मिलता है, तो और भी लोग जुड़ते हैं और इस काम को अंजाम देने के लिए सामने आते हैं। अभी मेरा सबसे पहले, अभी मैं आप लोगों को बता दूँ, हमारा टारगेट अभी हर घर तुलसी का कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से तुलसी का पौधा से कितने तरह का जो बीमारियाँ होता है वो दूर होता है, वो एक तुलसी के माध्यम से ये सबको बताने का प्रयास किया जा रहा है। और दूसरा हमारा एक बहुत बड़ा प्रयास है, वो बहुत बड़ा मिशन है, वो अखंड भारत समर्थ भारत का। जी, सबसे पहले मैं मीडिया के दोस्तों को धन्यवाद देना चाहूँगा, और जो आज यहाँ पे बॉलीवुड आइकॉन अवार्ड हुआ है, तो हमें बेस्ट रिपोर्टर और सोशल वर्कर का अवार्ड मिला है, तो मैं अपने माता पिता, गुरु, अपने सीनियर लोगों को प्रणाम करता हूँ।
और मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस तरह के जब अवार्ड मिलते हैं तो निश्चित तौर पर समाज में काम करने का एक अलग उत्साह होता है, एक अलग जोश होता है। कि अभी तक अवार्ड की बात करें तो अभी तक हमें दर्जनों अवार्ड मिल चुका है। हमें अच्छा लगता है कि मैं एक शून्य से शिखर की ओर बढ़ रहा हूँ धीरे धीरे, और एक दशक से ज़्यादा हो गया मीडिया इंडस्ट्री में। तो इस प्रकार का जब अवार्ड मिलता है तो एक संतुष्टि होती है कि हमने जो मेहनत किया है, जो पत्रकारिता की शुरुआत मैंने बहुत ही ग्राउंड लेवल पर किया था, तो हमें लगता है कि नहीं, हमें समाज के लिए कुछ काम करना चाहिए। और जैसे कि मेरा एक संकल्प है कि मैं जो है समाज के पत्रकारिता के साथ साथ मैं सोशल वर्क करता हूँ, जनसेवा मेरा एक संकल्प है। तो हमें जो भी हो सकता है कि अपनी कैपेसिटी से, मैंने एक संकल्प लिया है कि हमारी जो इनकम है उसका मैं 20% जो है ज़रूरतमंदों की मदद में मैं अपना 20% इनकम लगाता हूँ। ऑब्वियसली बात है, बहुत ही अच्छा फील कर रही हूँ बॉम्बे में जब से मैं आई हूँ। इट्स बीन 4 ईयर्स और ये मेरा फर्स्ट अवार्ड होगा, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, नो डाउट। आपका आपकी कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट? हाँ, मेरी अभी एक पंजाबी फिल्म ऑन फ्लोर जाने वाली है, दिल दी यारियाँ, टेंटेटिव नेम है, हो सकता है नाम चेंज हो जाए इसका। सो दैट इज़ माय अनदर वर्क दैट इज़ गोइंग ऑन फ्लोर, डायरेक्टर इज़ मिस्टर अशोक नंदा। देखिए, मैं कृष्णा चौहान जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने सभी को मतलब एक नई दिशा, नई राह दिखाई है। अमूमन हम लोग हर अवार्ड में जाते हैं तो उन्हीं लोगों को मिलता है जिन्होंने कुछ मतलब, जो पर्दे के आगे होते हैं, और ये पर्दे के पीछे वालों को जो दिया है, और उन लोगों को जिनको मतलब जो डिजर्व करते हैं मगर उसके बावजूद भी उनको मिलता नहीं, तो मैं समझता हूँ कृष्णा जी का ये बहुत अच्छा प्रयास रहा। और मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की लगी कि मैं अपने टेक्नीशियन भाइयों को जो मुझे हर वक्त कवर करते हैं, दूसरे अवार्ड लेते वक्त दूसरों को देते हुए, आज उनके साथ मुझे उनको अवार्ड देते हुए बड़ी खुशी हुई। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि नॉट फॉर कृष्णा जी का मतलब जितने दुनिया के अवार्ड मिलते हैं वो सारे अवार्ड इन लोगों को भी मिले, और बस अल्लाह ताला इनको खुश रखे। थैंक यू सर। मैं शुक्रगुजार हूँ कृष्ण चौहान जी का और शिरीन फरीद जी का, जिनकी वजह से मुझे आज मौका मिला है और इतना अच्छा अवार्ड मिला है। तो आप सभी का भी शुक्रिया, और वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है। आप अभी विदेश में भी शो करके आए हैं उसके? जी हाँ जी हाँ, मैं इसराइल में, कुवैत में, बहरीन में काफ़ी शोज कर चुका हूँ, तो इसराइल में तो बहुत अच्छी ऑडियंस मिली मुझे। ये अवार्ड आपके जीवन में कितना महत्व रखता है? बहुत महत्व रखता है सर। अवार्ड तो अवार्ड होता है, छोटा हो बड़ा हो, लेकिन वाकई में एक अवार्ड मिलने की जो खुशी होती है वो बहुत बड़ी होती है, जो मुझे इस बार मिल रही है। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये अवार्ड से जो मुझे सम्मानित किया गया है कृष्ण चौहान जी ने, और उनके लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे ये अवार्ड से सम्मानित किया, और साथ में अपने माँ बाप का, मम्मी पापा का, जिनके आशीर्वाद के कारण मुझे ये अवार्ड से सम्मानित किया गया। बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा तमाम ग्रुप के अवार्ड दिया, क्योंकि अवार्ड का मतलब होता है कि आपको प्यार मिल रहा है, दरवाजा बन रहा है, प्रोत्साहन किया जा रहा है, आपको आशीर्वाद दिया जा रहा है। परमात्मा ही ये तय करता है, क्योंकि ये दिमाग में इनके पढ़ने लाए बात, तो मुझे लगता है कि सबका धन्यवाद करूँगा। कला सभी कला से जुड़े कॉमेडी से जुड़े तमाम कॉमेडी के प्रति धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने कॉमेडीज का सम्मान किया। बस ऐसे ही करते रहे और हमको ताकत देते रहे, आशीर्वाद देते रहे कि हम आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच। ये पहले मैंने बॉलीवुड लेजेंड अवार्ड किया था पिछले साल, और ये दूसरा अवार्ड है बॉलीवुड आइकोनिक अवार्ड, और अच्छा लगा, और सब लोग आए, सबका प्यार मिला मुझे, बहुत अच्छा लगा, और ये अवार्ड आगे आगे भी होते रहेंगे कंटिन्यू। इस अवार्ड की बात करें तो इसमें दिलीप सेन से लेकर तमाम लोग आए बॉलीवुड के। आप अमूमन देखा जाता है कि लोग चमकते सितारों को अवार्ड देते हैं, तो आप नए कलाकारों को भी दिया है? बिल्कुल बिल्कुल, नए को हम अवार्ड नहीं देंगे तो कौन देगा? तो आप डायरेक्टर हैं, टेक्नीशियन टीम को भी आपने अवार्ड? बिल्कुल, ऑल बॉलीवुड। आने वाले समय में सर, आप सोशल वर्कर भी हैं, समाज के लिए क्या मैसेज बॉलीवुड के लिए क्या मैसेज है? बॉलीवुड के लिए बिना सपोर्ट के तो कुछ होता नहीं है, किसी ने हमको सपोर्ट किया, हम भी लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। अवार्ड करना पड़ता है यहाँ पे, बहुत बहुत मेहनत तो बहुत करना पड़ा, लेकिन ये शो करके अच्छा लगा और शो सक्सेस रहा। इससे पहले जो किया था बॉलीवुड लेजेंड अवार्ड और बॉलीवुड आइकोनिक अवार्ड, दोनों शो सुपर हिट। इसके बाद ये बॉलीवुड लेजेंड अवार्ड वापस दिसंबर में करेंगे, आप लोग वापस आइएगा।